नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चले नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। वैशाख माह में निरंतर होता रहेगा बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक। शिवलिंग के शीश के ऊपर बांधा गया गलंतिका। इसका शुभारंभ 14 अप्रैल विश्व संक्रांति से ही हो गया था, जो पूरे वैशाख माह तक जारी रहेगा। इस विशेष पूजा को वैशाखी जलधारा अनुष्ठान भी कहा जाता है। प्रत्येक दिवस दोपहर के विश्राम पूजा से पूर्व शिव गंगा सरोवर से शीतल जल भरकर 5 परिवार के लोगों द्वारा लाया जाता है। इसमें गोस्वामी परिवार, धानुक परिवार, पंडा परिवार, पांडे परिवार और सरकारी पुजारी परिवार के लोग शामिल होते हैं। इस महीने में सत्तू, तरबूज और घड़ा दान करना भी शुभ माना जाता है। और मान्यता यह भी है कि वैशाख महीने में महादेव पर जहर का असर होने लगता है और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, इसलिए शिवलिंग के शीश पर मिट्टी के कलशों को गलंतिका बांधी जाती है। धर्मशास्त्र में वैशाख महीने का विशेष उल्लेख किया गया है। इस महीने में चौराहों पर प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान और पानी की व्यवस्था करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी शुभ और फलकारी माना गया है। कहा यह भी जाता है कि जो भी श्रद्धालु अपने घरों में, वृक्षों में, जंगलों में पक्षियों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वैसे शिव भक्ति पर भगवान शिव का विशेष कृपा बना रहता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।